आप सभी का स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी आसानी से बन जाने वाले पनीर पराठे की रेसिपी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि दो तरीके जिससे आप पनीर पराठे को सेक सकते हैं। इन्हें आप घर पर खा सकते हैं या फिर टिफिन में भी बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 2 कप आटा। आटे में जाएगा थोड़ा सा नमक। अब आटा और नमक मिलाकर हमें डालना है पानी और इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। जब भी आप कोई भी स्टफ पराठा बनाते हैं तो जो भी आप स्टफिंग करने वाले हैं लगभग उसके जैसा उतना टाइट आपका आटा या उतना सॉफ्ट आपका आटा होना चाहिए। अगर आपकी स्टफिंग बहुत लूज है, बाहर का आटा आपने टाइट गूंद दिया है, तो बेलते समय पराठा फट सकता है। और अगर उल्टा हो गया इसके, तब भी पराठा जो है आपका बेलते समय फट सकता है। आटा गूंदने के बाद आप इस पर लगा दें थोड़ा सा तेल ताकि जो आटा है सूखे ना, और फिर इसे थोड़े से रेस्टिंग के लिए रख दें। रेस्ट करने के बाद आटा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगा, तो इसे रख देते हैं साइड में। अब बनाते हैं स्टफिंग। तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा पनीर है। मक्खन निकालने के बाद जो छाछ बच जाती है उसे फाड़ के भी पनीर बन जाता है, और ये वो वाला पनीर है। तो घर में 15 से 20 दिनों के बाद हमारे घर में मक्खन बनाते हैं, उसमें से ये इतना पनीर भी बन गया। स्टफिंग के लिए हमें प्याज भी चाहिए, तो एक बारीक कटा हुआ छोटा प्याज हमें चाहिए। अगर आप चाहें तो एक मीडियम साइज का प्याज भी डाल सकते हैं। अब एक परात या फिर बोल में ले पनीर। अब ये पनीर ऑलरेडी थोड़ा सा क्रम्बल्ड है, तो मैं हाथ से ही इसे ऐसे क्रश कर रही हूँ, पर आप चाहें तो हाथ से पनीर को क्रश कर सकते हैं या फिर एक ग्रेटर यानी कद्दूकस से भी पनीर को ग्रेट कर सकते हैं। अब पनीर में जाएगा प्याज, साथ ही में थोड़ा सा धनिया और पुदीना। तो अंदाजे से 1/4 कप है ये कट करने से पहले, पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से धनिया इसमें बढ़ा भी सकते हैं। तो थोड़ा सा धनिया, और अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना ज़रूर डालें। ये जो स्टफ्ड पराठे होते हैं उनमें अगर आप पुदीना यूज़ करेंगे एज अ चेंज तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, फिर वो पनीर का पराठा हो या आलू का पराठा। नेक्स्ट इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और ये है पेरी पेरी या पीरी पीरी मसाला। ये रेडीमेड है, इसकी जगह आप गरम मसाला या फिर छोले मसाला यूज़ कर सकते हैं, और टेस्ट के हिसाब से नमक। एक्चुअली जो मसाला है ना, इन पराठों में मैं बदल बदल कर डालती हूँ, इससे टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो आपके घर में जो भी रेडीमेड मसाले हैं, वो पाव भाजी हो, छोले हो, तो आप एज अ चेंज इन मसालों को यूज़ कर सकते हैं पराठों में। स्टफिंग को आप इकट्ठा ना करें, उसे ऐसे फैला हुआ ही रहने दें, बाद में पनीर का पराठा बेलने में आसानी होगी। आटा भी रेस्ट कर चुका है, इसे थोड़ा सा मैं गूंद रही हूँ ताकि एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाए। अब अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसकी लोइयाँ तोड़ लें। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि पहले ही लोइयाँ बनाकर रखती हूँ ताकि जो पराठे हैं जल्दी जल्दी बन जाए। अब जो मैं चीज़ कर रही हूँ इससे पराठों में एक अलग टेस्ट ऐड होगा। तो एक छोटी कड़छी यहाँ पर मैंने ली है, इसमें जाएगा तेल, और तेल हल्का सा गुनगुना होने के बाद हमें इसमें डालनी है लाल मिर्च, और साथ ही में पेरी पेरी या पीरी पीरी मसाला या फिर जो भी आप मसाला यूज़ कर रहे हैं। नमक अगर आपके मसाले में नहीं है तो थोड़ा सा नमक भी आप डाल लें, और ध्यान रहे कि मसाला जलना नहीं चाहिए, तेल गर्म हो गया है तो गैस बंद कर लें। अब इसका क्या करना है हम आगे देखेंगे। पनीर के इन पराठों को सेकने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोहे का तवा। अब आप चाहे तो नॉर्मल पराठे की तरह इसे बेल कर सेक सकते हैं, जैसे हम कोई भी स्टफ्ड पराठा सेकते हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ अलग ट्राई किया जाए, इन्हें नान और कुलचे की तरह सेका जाए। तो अगर आपको कभी चेंज चाहिए अपने पराठों में तब आप ये मेथड ट्राई कर सकते हैं, वरना आपका जो रेगुलर पराठे सेकने वाला मेथड है वही कंटिन्यू करें। तो अच्छे से भर कर आप स्टफिंग डाल दें। जैसे ही ये पराठा सेकेगा, गर्म होगा, तो अंदर का जो पनीर है ना और भी सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ हो जाएगा। तो एकदम अच्छी क्वांटिटी में स्टफिंग भरें। पराठे में तभी मज़ा आता है जब स्टफिंग एकदम अच्छे से भरी हुई हो। थोड़ा सूखा आटा लगाकर पराठे को बेलें। जब भी आप पराठे बेलते हैं तो दूसरी टिप ये है कि आप इन्हें पलट पलट कर बेलें। ऐसा करने से जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आएगी। तो एक बार आपने अपने चकले पर डाल दिया है और पराठा बेल रहे हैं, ऐसा ना करें, पलट पलट कर बेलें।
क्योंकि मैं इन्हें सेक रही हूँ कुलचे के स्टाइल में, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पानी ताकि ये जो पराठा है तवे से अच्छे से चिपक जाए। तो अगर आप रेगुलर स्टाइल में पराठा सेक रहे हैं तो आप कोई भी तवा यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपको ये मेथड यूज़ करना है तो लोहे का तवा यूज़ करें। लोहे के तवे पर अच्छे से पराठा जो है ये चिपक जाएगा। इसे हम कुलचा या नान नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारा आटा एकदम नॉर्मल है, पानी के साथ ही है बस, इसमें ना यीस्ट है और ना ही बेकिंग पाउडर, सोडा या दही है। तो घर का जो बना रेगुलर आटा है उसे भी कभी आप चेंज के तौर पे ऐसे सेक सकते हैं। तवा आपको फ्लेम पर हल्का सा घुमाना पड़ेगा इस तरह से ताकि ये इवनली पक जाए। पराठा सिक गया है लेकिन आप इसे तुरंत ना निकालें, जो हिस्सा तवे पर चिपका हुआ है वो भी अच्छे से हो जाना चाहिए, पक जाना चाहिए, तभी आप इसे निकालें। पहला पराठा बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तवे पर चिपकेगा पर उसके बाद का नहीं चिपकेगा इतना ज़्यादा। तो देखिए पराठा बन गया है। पराठा सेकते समय हमने बिल्कुल भी घी या तेल यूज़ नहीं किया, और बनने के बाद यहाँ पर फिर मैं लगा रही हूँ ये फ्लेवर वाला ऑयल। अगर आप रेगुलर वाले मेथड से पराठे को सेकते हैं तब भी आप ऐसा कर सकते हैं कि सेकते समय आप कोई भी तेल या घी यूज़ नहीं कर रहे हैं और पराठा बन जाने के बाद ऊपर से जो फ्लेवर वाला तेल है वैसा कुछ आप लगा रहे हैं। फ्लेवर वाला जो हमने ऑयल बनाया है मिर्ची और पेरी पेरी मसाले के साथ, उसमें आप एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा एक टेस्ट ऐड हो जाएगा। तो बस अब अगला वाला भी मैं सेम मेथड से सेक रही हूँ। थोड़ा सा पानी यहाँ पर मैंने लगाया है और ये गया पानी वाली साइड के साथ तवे पर। कुछ सेकेंड्स आपको पकाना है, 10 से 15, और फिर पलटना है तवे को फ्लेम के ऊपर इस तरह से। आपको खुद इसे झुक झुक कर देखना पड़ेगा ताकि कहीं पर ज्यादा ना सिक जाए, ज्यादा जल ना जाए। बस हमारा ये पराठा भी बन गया है, इस पर भी मैं लगाती हूँ ऑयल। अगर आपके पास एक सिलिकॉन का ब्रश है इस तरह का तो उसे यूज़ करें, इससे आप कम क्वांटिटी का जो तेल है ज़्यादा एरिया में फैला सकेंगे, और एक्स्ट्रा अगर है तो लास्ट लास्ट में आप उसे उठा भी सकेंगे। तो बस इन पराठों को गर्मा गर्म आप परोसे चाय के साथ, या फिर ऐसे ही चटनी भी आप परोस सकते हैं, जैसे मन आपका चाहे। आई होप आपको ये रेसिपी और ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।